अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम थीम कॉन्फ़िगरेशंस और प्लस ओवरऑल साइट कॉन्फ़िगरेशंस को कवर करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ कवर की थी कि थीम कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है या चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं। तो आज हम थीम की कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं और दैन फिर हम साइट कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि एक थीम की लिस्ट है। सबसे पहले हमारे पास भारतीय थीम एक्टिवेटेड है। इसके साथ एक कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन है सेटिंग्स के नाम से। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर्स की सेटिंग्स हैं जो थीम हमें प्रोवाइड कर रहा है। हर थीम की सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। अगर मैं किसी और थीम को एक्टिवेट करूँगा तो उसकी यहाँ पर सेटिंग्स डिफरेंट होंगी। मैंने यहाँ पर ये एक्टिवेट किया, इसकी सेटिंग्स डिफरेंट हैं। तो थीम की सेटिंग्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं या फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना चाहते तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अपने सीएसएस की फ़ाइल में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं अपनी साइट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे नीचे ऑप्शन आ रहा है, अभी हमारे पास थीम का डिफ़ॉल्ट लोगो है। इसके अलावा इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना लोगो अपलोड करें। इसी तरह फेविकॉन को भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कलर सेट्स दिए गए हैं। अगर मैं कोई भी अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे फायर हाउस है तो यहाँ पर मैं जब चेंज करूँगा तो यहाँ पर नीचे हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है कि हमारी साइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ से किसी और को चूज़ करता हूँ तो ये फिर चेंज हो जाएगा इसका स्टाइल। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपना कस्टम कलर सेट करूँ और मैं यहाँ से कस्टम पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास जो कलर्स हैं वो मेरी मर्ज़ी के होंगे जो मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टॉप हेडर जो है इसका कलर यहाँ से चेंज करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है इसको मैं बॉटम वाले को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ में हमारा जो प्रीव्यू है वो भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता जाऊँ तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ऊपर से डार्क है और नीचे से ग्रीन हो जाए, थोड़ा सा लाइट हो रहा है। इसी तरह मैं अगर फुटर का कलर अपना चेंज करना चाहूँ तो फुटर का बैकग्राउंड जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर हो चुका है। इसको मैं सेव करूँगा और साथ ही मैं लोगो भी चेंज कर देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सिंपल सा लोगो अपलोड कर देता हूँ मैं। फेविकॉन को अभी मैं नहीं चेंज कर रहा, सेव कर देते हैं। सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं अपने होम पेज की तरफ और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास साइट का एक प्यारा सा डिज़ाइन बन चुका है जो हमने अभी अपने एडमिन पैनल से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया था, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये तरीका है थीम की सेटिंग्स करने का। एडमिन पैनल से भी हम कर सकते हैं, अपनी सीएसएस की फ़ाइल से भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ओवरऑल साइट की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस की एक लिस्ट है जहाँ से हम साइट के डिफरेंट सेक्शंस की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट सेटिंग्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वो सेटिंग्स हैं जो हम यूज़र से रिलेटेड के यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें फील्ड ऐड कर सकते हैं, उसकी फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं कि हम लोग अनानिमस यूज़र जो है उसको अलाउ करना चाहते हैं कि वो ख़ुद से रजिस्टर कर सके या कि एडमिन ही सिर्फ यूज़र रजिस्टर करे। अगर वो यूज़र रजिस्टर कर सकता है तो क्या उसके लिए एडमिन अप्रूवल ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ई मेल्स का एक सेक्शन है जहाँ पर हम लोग अपने ई मेल्स के मैसेजेस सेट कर सकते हैं। हर केस में यूज़र को जो ईमेल सेंड हो रही होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब अकाउंट क्रिएट होगा तब एक यूज़र को ईमेल जाएगी, उसका टेक्स्ट है यहाँ पे वो हम चेंज कर सकते हैं। पेंडिंग में है उसको उसका टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। जब अकाउंट कैंसिल होता है फिर उसका
टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड रिकवरी है जैसे एक्टिव डीएक्टिव, और ये सारा ब्लॉक अकाउंट का है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस यूज़र से रिलेटेड हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने मेन पेज की तरफ। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं इनको हम सारी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में जब हम फर्दर अपने लेक्चर्स में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे तो ये सारी कवर हो जाएंगी। अभी जो मेन चीज़ है वो है बेसिक सेटिंग्स जो साइट से रिलेटेड है। जब हम कोई भी साइट इंस्टॉल करते हैं ड्रूपल की, वहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी साइट का नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करें। इंस्टॉलेशन के दौरान टेम्प्रेरी टेक्स्ट एंटर कर देते हैं जो हमें बाद में चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइट का नेम है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस है, और हमारा फ्रंट पेज कौन सा होगा। अभी हमारे पास जो फ्रंट पेज ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक ड्रूपल बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइड करता है वो वाला फ्रंट पेज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज़ बीन क्रिएटेड येट, तो फ्रंट पेज पे भी कोई कंटेंट भी नहीं क्रिएट किया गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूँ और उसको यहाँ पे असाइन करूँगा तो वो मेरा फ्रंट पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कंटेंट में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टिंग का कंटेंट क्रिएट किया गया है। हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं, बेसिक पेज में क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पेजेस हमारे स्टैटिक रहने होते हैं हम उनको बेसिक पेज की कंटेंट टाइप में क्रिएट करते हैं, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ फ्रंट पेज और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक फ्रंट पेज की टेम्पलेट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूआरएल में मेरे पास इसका आईडी आ रहा है 2 node/2। ये जो 2 है ये इसका आईडी है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपनी बेसिक सेटिंग्स में, यहाँ पे जो मेरे पास नोड आ रहा है इसके आगे मैं स्लैश लगा के उसका आईडी एंटर कर दूँगा। जो पेज मैंने यहाँ पे अपने होम पेज पे सेट करना है उसका मैं सिंपल यहाँ पे आईडी एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। और हमारे पास अब नीचे एरर पेजेस के केस में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग एरर पेजेस कौन से दिखाना चाह रहे हैं। एक्सेस डिनाइड के केस में हम लोग यहाँ पे यूआरएल सेट कर सकते हैं अपने पेज का, जैसे हमने ये सेट किया है वैसे ही सिंपली हम यहाँ पे पेज का आईडी बता सकते हैं कि कौन सा पेज जो एक्सेस डिनाइड के केस में आए और कौन सा 404 के केस में। ये हम कस्टम पेज स्टाइल करके उनके पाथ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे सेव कर देते हैं, वापस अपने पेज की तरफ जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास फ्रंट पेज का एक टाइटल आ चुका है और वो पेज जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे फ्रंट पेज पे अप्लाई हो चुका है। अब हम उस पेज के अंदर जो भी कंटेंट प्लेस करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास नज़र आएगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं वापस और इस फ्रंट पेज को एडिट करते हैं। जब आप एडमिन पेज पे होते हैं और साइट को एक्सेस करते हैं तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे होते हैं जहाँ से आप पेज को एडिट कर सकते हैं, किसी ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं जब इस पे ओवर करता हूँ तो ये एक आइकन आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो है टेस्टिंग का ब्लॉग है इस पे भी एक आइकन आ जाता है। यहाँ पे मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है तो इसके पास एडिट का, डिलीट का और ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे एडमिन के केस में नज़र आते हैं जब आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन होते हैं। अगर यही पेज मैं नॉर्मल यूजर खोलूँगा तो मुझे इस तरह से नज़र आ रहा होगा, कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे परमिशंस नहीं है। नॉर्मल यूज़र को इस चीज़ की परमिशंस नहीं है कि वो एक्स्ट्रा फीचर्स को एक्सेस कर सके। तो अब इसको एडिट करते हैं यहाँ से और इसमें कुछ लॉरम इप्सम का टेक्स्ट डाल देते हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट से ये कॉपी कर लेते हैं और अपने पेज में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है बेसिक एचटीएमएल का। यहाँ से अगर हम यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं कि वो इसमें फुल एचटीएमएल ऐड कर सके तो यहाँ से उसको सिंपल हमने फुल एचटीएमएल करना है और इसके अंदर अपनी एचटीएमएल डाल देनी है तो वो एचटीएमएल रेंडर होना शुरू हो जाएगी। सेव कर देते हैं एज इट इज़। और यहाँ पर अब हम दोबारा इस पेज पर वापस आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभी हमने कॉन्टेंट फ्रंट पेज में डाला है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं डिफरेंट पेज क्रिएट कर सकता हूँ अबाउट अस का और दूसरे और अपनी साइट पे सेट कर सकता हूँ। अब वापस आते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ।
यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें थी हमने ये सेट कर ली हैं। दोबारा मेन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्रॉन का है। क्रॉन का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो हमारी ड्रूपल की क्रॉन रन हो रही होती है वो 3 आवर्स होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको हम चेंज करके 1 घंटे पे, 3 घंटे पे, 5 पे, अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। जब भी साइट पे क्रॉन रन होती है तो कुछ फंक्शंस हमने जो क्रॉन के साथ रन करने होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, प्रोसेसर्स चलते हैं और वो अपना डेटा जो अपडेट होना होता है वो हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास मॉड्यूल्स की लिस्ट होती है, थीम्स की लिस्ट होती है, तो उनकी जो अपडेट्स हमें पता चलती हैं वो जब क्रोन रन होती है तो क्रोन चेक करती है कि उनकी अपडेट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास एक मैसेज आना शुरू हो जाता है साइट पे कि इन इन मॉड्यूल्स की अपडेट्स अवेलेबल हैं, तो वो हम डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं इस पर अपडेट करने के लिए। बैक जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास रीजनल सेटिंग्स हैं जो हमें साइट के स्टार्ट में ही इनको चेंज कर लेना चाहिए। रीजनल सेटिंग्स में हम लोग अपना कंट्री सेट कर सकते हैं और टाइम जोन सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये डेट फॉर्मेट्स हैं हमारे पास जो हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर रहे होंगे या साइट्स में जहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प नज़र आ रही होगी वहाँ पे ये डेट फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से ही हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें फिर ये चीज़ें सारी यूज़ हो रही होंगी। कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी सेक्शन में यूज़ हो रही होती है, तो वो उस वक्त हम उन लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे। आज के लिए हमने कवर किया है कि थीम की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं और साइट की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम लोग व्यूज़ को कवर करेंगे। व्यूज़ बनाएंगे, सिंपल व्यूज़ बनाएंगे, कम्प्लेक्स व्यूज़ बनाएंगे, रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, डिफरेंट पेजेस बनाएंगे व्यूज़ के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें हम ऑनवर्ड लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।